नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सबको SSC कंप्यूटर में स्वागत है। तो आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि आपके मोबाइल में या आपकी कोई भी एंड्रॉयड हैंडसेट हो, वो आप अगर अपने मोबाइल पे एंटीवायरस डालते हैं तो आपका कितना फ़ायदा होता है और कितना कितना आपका नुकसान होता है, ये मैं आज को आपके इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने माना कि कोई भी एक ऐप्स आपने समझो अपने इंस्टॉल किया, जैसे कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, आपके जो ब्राउज़र रहते हैं वहाँ पे आप जाते हैं, जाते हो, फिर आप क्या करते हैं वहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन की जो ज़रूरत है वो एप्लीकेशन आप वहाँ पे सर्च करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने कोई एप्लीकेशन को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको तो प्ले स्टोर में बहुत सारे तो मिल ही जाएगा एप्लीकेशन। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने एक एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अगर एंटीवायरस अगर आप ना यूज़ करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, एंटीवायरस क्यों नहीं करना चाहिए इंस्टॉल, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात, एंटीवायरस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एंड्रॉयड जो डिवाइस है वो आपके जो मोबाइल को प्रो स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद आपके जो कोई अगर वायरस डिफेक्ट होता है तो आप क्या होता है आपको कि उस वायरस के डिफेक्ट होने से आपके जो एंटीवायरस रहता है वो आपने जो एप्लीकेशन को या कोई आपके सिस्टम को जो प्रो स्कैन करता है। मान लीजिए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगा तो आपको स्क्रीन में बताएगा कि ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में ये थोड़ा रिक्सी है तो इसको आप अनइंस्टॉल कीजिए, ऐसे आपको मैसेज आता है, कभी कभी आ भी जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने एक एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो मोबाइल का जो है वो अगर आपने एंटीवायरस नहीं यूज़ करेगा तो बढ़िया रहेगा। इसलिए बढ़िया रहेगा क्योंकि एंड्रॉयड एक ऐसी ओएस है जो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में आप अगर कुछ भी अगर एप्लीकेशन आपको लेना है, कुछ भी एप्लीकेशन लेना है तो आप सीधे अपने प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर में जो आपको एप्लीकेशन चाहिए वो आप सर्च करें तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, आपके जो प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन रहता है वो अपने आप आपके रिकमेंड से, आपकी प्रोसेसिंग से, आपकी क्या वर्जन होते हैं वो आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता है और आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा कि आप नॉर्मल अपने जो है मोबाइल पे आप यूसी मेन्यू में जाते हो या यूसी ब्राउज़र हो, फायरफॉक्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप जाके क्या करते हैं जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपको लिखना पड़ता है। तो वो आप एप्लीकेशन का आपको ज़्यादातर यूसी ब्राउज़र में मिल भी जाएगा और भी बहुत सारे ब्राउज़र में मिल जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क क्या होता है, जो आप जिस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हो जो एप्लीकेशन, वो क्या होता है कई बार जो उसका जो वायरस होता है वो वायरस अपने आप ब्राउज़र में जो है डिफेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन आपको लेना चाहिए तो आप अपने प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़, आपके मोबाइल में एक सेटिंग में जाइए, मैं बताऊंगा कि आपके मोबाइल कैसे सेफ रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपने मोबाइल पे सेटिंग में जाइए, सेटिंग ओपन कीजिए। जैसे आपने सेटिंग ओपन किया यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी में जाइए, सिक्योरिटी पे जाके आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए जो आपका है अननोन सोर्स जो है वो बंद है,
अगर आपने कोई मना एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड किया हो किसी ब्राउज़र से, वो डाउनलोड करने के बाद आप जब उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपसे ये अननोन सोर्स जो है आपसे परमिशन मांगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके जो अननोन सोर्स है वो आप चालू इनेबल करके रखें, तो ये सबसे जो है बड़ा गलत बात है। मतलब आपके जो फ़ोन है वो ज़्यादातर रिस्क में होते हैं, तो अननोन सोर्स जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, क्या है, आप जब भी यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा, योर टैबलेट एंड पर्सनल डाटा यस मोर वेरी वेल टू अटैक बाय एप्स फ्रॉम द अननोन सोर्स। ये क्या होता है, ये जो आपकी जो अननोन सोर्स, जैसे आपने इसको इनेबल किया, आपको जो मोबाइल का जो फेयरवेल जो अटैक है, आपको अननोन सोर्स वो आपके मोबाइल पे अटैक करेंगे। यू कैन एग्री दैट इज योर श्योरली रिसम्बलिटी एनी डैमेज योर टैबलेट लॉस डाटा। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको आप इनेबल करेंगे तो आपकी जो टैबलेट हो चाहे कोई भी स्मार्टफोन हो, क्या होगा, आपके जो है वो आपके रिजर्वेबल डैमेज कर सकता है, मतलब आपकी जो हैंडसेट है वो आपको डैमेज कर सकता है। टू योर टैबलेट और लॉस ऑफ डाटा मे बी रिजल्ट फॉर यूजिंग दैट इज एप्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई एप्स जैसे आपने ब्राउजर से इंस्टॉल किया, तो आपके जो लॉस डेटा होते हैं मे बी रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग दिस इज ऐप, तो आपकी जो हैंडसेट है यहाँ पे आपको बताएगा, आप जैसे इसको इनेबल करेंगे आपको बताएगा ये मैसेज में, योर टैबलेट एंड पर्सनल डाटा यार मोर वेरिएबल टू अटैक बाय एप्स फॉर अननोन सोर्स। ये जो है आपके जो अननोन सोर्स है वो इसको अटैक करेगा। यू कैन एग्री डैश योर शोरली रिसिप्रोटिव एनी डैमेज और योर टैबलेट और लूज, और आपका स्लो भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ये जो अननोन सोर्स है आप अपने जितने जितने कोशिश करें इसको आप डिजेबल करके रखिए। जब अगर कोई ऐसे एप्लीकेशन आता है जो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता, तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा कम करेंगे अगर आपने ब्राउज़र से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अगर आप इंस्टॉल करेंगे, तो अननोन सोर्स तो आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें आपके जो मोबाइल टैबलेट हो या कोई स्मार्टफोन आपके मोबाइल के ऊपर अटैक होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बना देता हूँ। जैसे कोई एक वेबसाइट आप निकालो, जैसे एक वेबसाइट है जलसा मूवीज डॉट इन में आप जाइए, वहाँ पे जब वीडियो में क्लिक करेंगे, तो आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपकी एक टैब रहेगा, वो अलग एक टैब निकलेगा जो उसमें आपको मिलेगा, कुछ ऐसे तरीके से आपको मिलेगा कि आपकी जो आपने जैसे क्लिक किया उस जो आपने जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ पे जो वायरस है वो डिफेक्ट होता है। अगर आपकी वेबसाइट में वायरस नहीं रहेगा तो आप इसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक पॉइंट की बात है कि अगर आपकी वेबसाइट में वायरस ही नहीं रहेगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि अगर आपको मोबाइल को सेफली रखना है, तो आप अपने सेटिंग में जाइए और अननोन सोर्स जो है वो आप इसको डिसेबल कर दिए। डिसेबल कर देंगे तो आपकी जो हैंडसेट है वो बहुत ही सेफ होगा, और बहुत ही मतलब आपकी जो हैंडसेट की चाहे टैबलेट या कोई भी फ़ोन स्मार्टफोन के हो, वो आपके जो टैबलेट के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा अगर आपने इसको डिसेबल करके रखा। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई अगर आपकी एप्लीकेशन को अगर ज़रूरत है तो आप नॉर्मली जाके अपने प्ले स्टोर ओपन कीजिए, जो आपकी प्ले स्टोर में जो ऐप्स आपको चाहिए, जो ऐप्स आपको चाहिए वो प्ले स्टोर में लिखिए। 10 करोड़ और करोड़ से भी ज़्यादा, आपको मिलियन से भी ज़्यादा एप्लीकेशन आपके जो प्ले स्टोर में है वो मिल जाएगा। तो मैं इसको अपनो बताता हूँ, बता दिया आपको कि कैसे अपने मोबाइल का जो एक है वो आप सेफली रख सकते हैं और आपकी जो टैबलेट है वो रिस्क में नहीं आएगा। तो दूसरी बात मैं भी कर रहा था जो एंटीवायरस की, जैसे आपने माना कि कोई एंटीवायरस आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया हो, जैसे इंस्टॉल करेंगे आप जब उसको ओपन करेंगे, तो आपको ऑप्शन आएगा स्कैन योर डिवाइस, तो आपको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करेंगे जैसे आप डिवाइस को, आपकी जो कुछ कुछ ऐसे सेटिंग वगैरह या एप्लीकेशन जो रहते हैं उसके अंदर जो स्कैन करके कुछ कुछ एंटीवायरस है जो उसको पकड़ नहीं पाते,
तो आपको ऐसे कोई अलग से इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है ये बहुत रिस्की है, इसको आप जल्दी से अनइंस्टॉल कीजिए। अगर जैसे आपने अनइंस्टॉल किया तो आपके मोबाइल कभी भी डेड हो सकते हैं। तो मैं आपको फिलहाल इतना ही बताऊंगा कि अगर आप कोई मोबाइल हैंडसेट, कोई भी हैंडसेट, एंड्रॉयड सेट या टैबलेट, कोई भी अगर आप हैंडसेट यूज़ कीजिए किया है, आई मीन आप कर रहे हैं, तो आपको आप अपने एंटीवायरस को, अगर रह गया, मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपके मोबाइल में या टैबलेट में, स्मार्टफोन में अगर कोई एंटीवायरस है तो उसको जल्दी से रिमूव कीजिए। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होता है ये एंटीवायरस आपको, जैसे आप क्लीन करेंगे आपके बैकग्राउंड जो डेटा रहता है, कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दे, जैसे ये एम एक्स प्लेयर, चलो मान लिया एम एक्स प्लेयर को जैसे मैंने ओपन किया, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे मुझे मेरा जो अपने वीडियोस है, जैसे मैं इसको अब मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो वीडियो आपकी है नॉर्मली आपकी शुरू होने लगेगा। अगर इसने आपको, जैसे कि आप इसको पॉज कर दिया, पॉज करके जब इसको आप मिनिमाइज़ कर देंगे, जब आप फिर मिनिमाइज़ करके जब अपने मोबाइल को, डिवाइस को पूरा स्कैन करेगा तो ये बताएगा आपके जो बैकग्राउंड डेटा में जो है वो आप, आई मीन जो रिसेंट एप्स होते हैं आपके, वो एप्लीकेशन को आपके जो अपने तरीके से, वो आपके जो रिसेंट एप्स रहते हैं जैसे कि ये जैसे रिसेंट एप्स है इसको हटा देगा। तो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चलिए मान लिया अगर आपने इसको स्वाइप कर दिया तो आपकी एक गलती बहुत ही बढ़िया है। अगर जैसे आपने इसको स्वाइप किया था, क्या होता है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपके जो इतने सारे जो एप्लीकेशन है, रेन है, ये आपके है, तो आप इसको स्वाइप मत कीजिए, इसको आप मिनिमाइज ही रख दीजिए। इसमें आपका फ़ायदा यही होगा कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैं आपके पास कोई कस्टमर आई है, बड़ा एक गद्दा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो जो गद्दा होता है आप उसको उठा के वहाँ पे ले जाएंगे, फिर कस्टमर को आप दिखाएंगे। तो आपने जो गद्दा उठाया है, तो आपने तो जो गद्दा को उठाया तो आपने तो कोई एनर्जी दिया है, जैसे कोई अपने पावर या आई मीन एनर्जी, तो आपको एनर्जी तो लगाना ही पड़ता है, तभी तो वो जो आप गद्दा जो है वो आप उठा के वहाँ पे लेके जाएंगे। तो इसके लिए आपकी एनर्जी ज़रूरत है। और बताऊँगा अगर आपके वो गद्दा अगर पहले से वहाँ पे आपके शिफ्ट रहेगा तो आपको क्या होता है, जैसे आपने वो पहले से अपने गद्दा को वहाँ पे शिफ्ट करके रख दिया, क्या होता है वो जैसे फिर जब कस्टमर आएंगे आप वहाँ से आप कोई एनर्जी ना लगा के आप उसको जल्दी से दे सकते हैं, और आपकी कोई एनर्जी भी है या आपको फिर से उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही एक रिसेंट भी ऐप्स होते हैं, ऐसे ही आपकी रिसेंट ऐप्स होता है, जैसे आपने इसको, जैसे ये मैंने इसको स्वाइप कर दिया, जैसे मैंने इसको स्वाइप किया फिर से जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये नए से ओपन होगा। नए से ओपन होने के बाद क्या होता है, आपके जो रैम होता है, रैम इस चीज़ इसको, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ होता है ये चीज़ को आपको प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको जो प्रोसेसर होता है वो इसको प्रोसेस करता है, तब जाके आपको स्क्रीन में मिलता है। तो अगर ये पहले से ही अगर आपकी मान लो ओपन, पहले मान लो आपकी पहले से ही ओपन था ये एप्लीकेशन, तो आप क्या करेंगे, जैसे फिर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपने एप्लीकेशन जहाँ से आपने मिनिमाइज करके रखा था, आई मीन जो आपके रिसेंट जो ऐप्स, आई मीन रिसेंट जो ऐप्स होते हैं जो आपने मिनिमाइज करके रखा था, क्या होता है वो जैसे ही आपने मिनिमाइज़ कर दिया फिर जब उसको ओपन करेंगे तो वो वहाँ से ही शुरू होगा। तो इसके लिए क्या होता है, आपकी जो एंड्रॉयड डिवाइस का है रैम प्रोसेसर का, वो फिर से इसको प्रोसेस नहीं करना पड़ता। तो इसमें आपकी बैटरी भी सेव होता है, और क्या होता है आपकी जो मोबाइल है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। और अगर मैंने इसको स्वाइप कर दिया तो फिर से जब मैं इसको ओपन करूँगा तो नए से स्टार्ट होगा, जैसे नए से स्टार्ट होगा ये आपको मांगेगा आपके जो रैम प्रोसेस कर रहे हैं, आपके जो प्रोसेसर है वो रैम जो है, रोम भी है, जो कुछ भी है वो फिर से इसको प्रोसेस करता है, फिर इसको आप उठाते हो। आप तो एग्जांपल मेरा समझ ही चुके हैं कि अगर वो चीज़ आपने पहले से वहाँ पे रखा होगा, रखा था, तो आपको कोई एनर्जी नहीं यूज़ करना पड़ता। जैसे फिर से मैंने आपको, चलो और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आप एक, चलिए आप एक जो है, चलिए आपने कोई बिजनेस खोल के रखा है,
कोई बिजनेस। तो एक लड़का आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे अपने काम में रख लो, तो मेरा जो आपके जो सारे कचरे हैं, वो जो भी चीज़ है, वो मैं आपको सफाई कर दूंगा। तो इसमें आप फ़ायदा क्या होता है कि आप कहते हैं कि ये जो आदमी है ये मेरे पास आए, कह रहे मेरा फ्री में काम करेगा, तो ये तो बहुत ही बढ़िया होगा, मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, ये मैं जो फ्री में काम कर रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो जब काम करेगा आपके, चलो मान लिया कि ये वो आपके जो है आपके जो चलो पार्टनर, चलो आपकी कोई चलो चीज़, आई मीन क्या बताऊँ, चलिए वो आपकी जो है वो फ्री से आपके काम कर रहे हैं, आपके जो काम है वो कर रहा है। तो जैसे वो फ्री कर रहे हैं, जैसे आप गद्दा वो लेके जा रहा है बार बार, फिर उसको लेके आना पड़ता है। तो इसमें क्या है, जो आप गद्दा लेके आने लेके आके लेके जाके लेके जगह से करते हैं, क्या होता है आपकी तो पहले जो गद्दा होता है वो तो आपकी कभी ना कभी गिरेगी हाथ से या कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, वो जो यहाँ से हुआ वहाँ से जो हटा रहे हैं उस चीज़ को, तो उसमें क्या है, उसका जो एक एनर्जी है वो इसको देना पड़ता है, तभी ये चीज़ को जो है हटा सकते हैं। तो आपको एग्जांपल आ ही गया है। तो ऐसे में अगर आपने कोई मोबाइल पे अगर एंटीवायरस कोई इंस्टॉल करके रखा, तो आप जल्दी से अपने जो एंड्रॉयड डिवाइस से है, चाहे कोई भी स्मार्टफोन हो, आप जल्दी से उस एंटीवायरस को रिमूव कीजिए। और अगली बात मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई आपकी बूस्टर हो या क्लीनर अगर कोई आपकी मोबाइल में अगर इंस्टॉल है, तो उसको भी रिमूव कीजिए। क्या होता है, जब इसने मैं आपको बताया, जैसे ये एमएक्स प्लेयर जैसे मैंने ओपन किया, तो इसका हर एक जो एप्लीकेशन का होता है वो आपको कैच फाइल मिलता है, कैच फाइल। तो कैच फाइल क्या होता है, जैसे कि मैंने अपने फाइल मैनेजर ओपन किया, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, तो जैसे मैं चलो अगर आपके इंटरनल स्टोरेज में अगर कुछ एप्लीकेशन है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे डाउनलोड है, किंग मास्टर म्यूजिक, पिक्चर्स रिकॉर्डर, बहुत सारे एप्लीकेशन, विडमेट, एक्सेंचर, ये जो बहुत सारे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, जब आप कोई बूस्टर या क्लीनर जब रखते हैं आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके, तो क्या होता है, वो आपको बार बार क्लीन करता है, तो आपके जो कैच फाइल होता है वो पूरा क्लीन कर देते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या होता है, मैं तो आपको एग्जांपल बता, वो आपके अंदर काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे मैं बताता हूँ, वो जो आदमी आया आपके पास फ्री में काम करे, वो तो काम कर रहे हैं लेकिन नुकसान आपका हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो जो आपके जो गद्दे के जो है वो यहाँ से वहाँ से हटे, यहाँ से वहाँ से हट रहे, क्लीन कर रहे, फिर लेके आ गए, फिर वहाँ पे जमा हो रहे, फिर वहाँ से उठा के ले गए। वैसे भी एक एंड्रॉयड डिवाइस जो होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। तो आप अगर कोई भी एंटीवायरस अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके रखें, तो पहले उसको रिमूव कीजिए। अगर आपने कोई बूस्टर या क्लीनर या कोई बैटरी सर्वर अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, तो वो जल्दी से अपने रिमूव कीजिए। तो दोस्तों आपको तो समझ आ ही गया है आज इस वीडियो में कि मैं आपको क्या बताया कि एंटीवायरस क्यों रखना, क्या आपके फ़ायदा होते हैं, क्या आपने नुकसान रहता है, मैं तो आपको बता ही दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब मेरे चैनल करते हैं आपको क्या होगा, एक फ़ायदा मिलेगा कि जैसे कोई नई मैं अपने नए अपलोड नए वीडियोस कोई लाऊंगा, तो आप सबसे पहले आप देख पाएंगे अगर अपने चैनल मेरा सब्सक्राइब किया है तो। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, अगले जो वीडियो में आपको बताऊंगा वो आपको ये बताऊंगा कि चलिए आगे अगले जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो मोबाइल अगर आपके स्लो हो रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, ऐसे कोई आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, तो ये अगले वीडियो में बनाऊंगा, आप ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।